शेतवान बसमिल आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि Q13 ये किस तरह से काम करता है ओवरऑल हम इस पेज पे एक मरतबा जो है ना वो अपनी नज़र डाल लेते हैं कि इस पेज में हमें सीखने को या देखने को क्या क्या मिलेगा अगर हम इस पेज को थोड़ा सा जूम आउट करें तो यहाँ पे हमें मिलेगा एक जो है वो डिस सर्किट है जो कि ये वाला है फार डिस्चार्ज और दूसरा जो है वो वन पॉइंट वन वोल्ट ऑलवेज टू वन पॉइंट वन वोल्ट वी एस मिलेगा ये दो हो गए और यहाँ पे कुछ फिल्टर कैपेसिटर्स हैं और इसके अलावा एक ये छोटा सा सर्किट दिया गया है कुछ ये जंपर है वोल्टेज के यहाँ पे नेम चेंज हो जाते हैं सिर्फ वोल्टेज को नेम को चेंज करने के लिए दिया गया है और यहाँ पे एक ये दिया गया है सर्किट जो के फाइव वोल्ट ऑलवेज टू फाइव वोल्ट वी एस और थ्री वोल्ट ऑलवेज टू थ्री वोल्ट वी एस है और इसके अलावा एक ये जो है वो सर्किट हमें दिया गया है प्लस वी डी डी आयो टू प्लस वी डी डी आयो अंडर रन मतलब ये वी इनपुट में जो जो मॉसपिट है ये प्लस वी डी डी आयो ले रहा है और आउटपुट में इसे रन में कन्वर्ट करके आपको दे रहा है तो इसमें हम दो चीज़ों को अभी देख लेते हैं कि इनमें ये जो दो चीज़ें हैं ये हम स्टडी करते हैं ये वाले दो सर्किट जो पहले मदरबोर्ड आते हैं अभी जो मतलब नॉर्मल रेंज में जिसमें कोर आई फाइव फर्स्ट आई थ्री आई सेवन फर्स्ट सेकंड, थर्ड जनरेशन तक के जो मदरबोर्ड आते हैं ना उनमें एक पूरा पेज दिया गया होता है इन वोल्टेज को कन्वर्ट करने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1.3 वोल्टेज हैं वो तो उसे रन में कन्वर्ट करने के लिए एक मोसविट का इस्तेमाल किया गया इसी तरह से उन मदरबोर्ड में यहाँ पे मोसफिट लगे होते हैं थ्री वोल्ट आलवेज़ को थ्री वोल्ट वी में कन्वर्ट करने के लिए जबकि यहाँ पे एक आईसी दिया गया उसके अलावा यहाँ पे फाइव वोल्ट आलवेज़ हैं तो इसे कन्वर्ट करने के लिए फाइव वोल्ट वी में भी एक मोसफिट का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन यहाँ पे उन दोनों वोल्टेज को एक आईसी के थ्रू जो है ना वो वीएस में कन्वर्ट करवा दिया गया मतलब मोसफिट को उतार दिया गया उसकी जगह पे आईसी इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि आईसी को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ढूंढने से माध्यम अगर ये ख़राब हो जाता है तब या फिर अगर हम नया आईसी लगाएं तो वो हमें थोड़ा सा कॉस्टली बढ़ता है मतलब उसमें हमारी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट हो जाती है अगर मोसफिट ख़राब होता है तो सिंपली हम किसी भी मदरबोर्ड से उठा के ये जो मोसफिट है ना ये लगा सकते हैं कोई भी एन चैनल लेकिन यहाँ पे आईसी में ये होता है आपको जो आईसी है वो सेम नंबर का लगाना पड़ता है या इसके इक्वलेंट देखना पड़ता है जो कि काफ़ी मुश्किल पेश आ आती है लेकिन अब जो लेटेस्ट मदर आ रहे हैं उनमें इस आई का ही इस्तेमाल किया जा रहा है जो मोस्फिट है ऊपर से उनका ख़त्म हो गया अब इनका क्या काम है इस आई का भी ये देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास अगर ये आपने इस बोर्ड का कुछ देखना हो प्रैक्टिकल में डेमोस्ट ट करना हो तो ये आपको जो नॉर्मली पाकिस्तान में है वो पैंतीस बयालीस जो मदर बोर्ड हैं डेल आ, के जो यूथ प्राइम मिनिस्टर स्कीम में मिले थे उनमें ये आपको आई मिल जाएगा देखने को <coughs> तो ये मदर बोर्ड जो है वो मेरे पास लेनोवो का है तो ये एन एम डैश ए दो सौ इकतीस जो भी कॉमन मदर बोर्ड है अगर आपके पास आए तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं तो ये फाइव वोल्ट आलवेज एंड थ्री वोल्टेज ऑलवेज ये जो पावर सप्लाई हमारी थ्री वोल्ट और फाइव वोल्ट की जो एस एम पी एस है ये वो जनरेट करवाएंगे दोनों वोल्टेज तो ये वोल्टेज यहाँ पे इस आईसी को एज ए इनपुट में मिल जाएंगे तो ये आई इंतज़ार करेगा इसे कन्वर्ट करवाने के लिए अब कन्वर्ट कब होंगे ये फाइव वोल्ट प्लस थ्री वोल्ट वी में कब कन्वर्ट होंगे जब हम जो लैपटॉप का मदरबोर्ड का पावर बटन है वो प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक सप्लाई आएगी फाइव वी एस ऑन एंड थ्री वी एस ऑन थ्री वी एस ऑन जो है वो थ्री वोल्टेज को ऑलवेज को वी में कन्वर्ट करवाने के लिए इस्तेमाल होगी और जो फाइव वोल्ट वी होना वो फाइव वोल्ट आलवेज को फाइव वोल्ट वी में कन्वर्ट करवाने के लिए इस्तेमाल होगी वी का मतलब यह है कि वोल्टेज आफ्टर प्रेसिंग पावर बटन दोनों वोल्टेज आफ्टर प्रेसिंग पावर बटन है तो इस आईसी का ये है इससे पहले जो मोस्विट आते थे उनसे ये काम लिया जाता था लेकिन अब आईसी से ये काम लिया जाता है तो इसमें जो अगर ये आपके वोल्टेज यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे तो उसमें सस्पेक्टेडली क्या हो सकता है हो सकता है आपका जो वी की थ्री वोल्टेज की लाइन है वो शॉर्ट हो फाइव वोल्ट की जो लाइन है वो शॉर्ट हो या यहाँ पे इनेबल सिग्नल ना मिल रहे हो अगर आपके फाइव वोल्ट प्लस फाइव वोल्ट वी एस नहीं मिल रही तो आप इसके आ, फाइव वी एस ऑन को चेक करेंगे अगर थ्री वोल्ट नहीं मिल रहे तो आप थ्री वोल्ट वी एस ऑन को चेक करेंगे और प्रोबली अगर ये सारी आपकी जो कंडीशंस हैं ओके हैं तो हो सकता है आपका जो आई या फॉल्टी हो जिसकी वजह से ये वोल्टेज दोनों में से कोई भी ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है दोनों में से कोई भी एक वोल्टेज जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहा तो अभी हम आ, आ जाते हैं हमारा जो ऑलवेज़ वोल्टेज है वन पॉइंट वन वोल्टेज ऑलवेज़ इसका मतलब यह कि जो हमारे लेटेस्ट मदर बोर्ड है वहाँ पर हमें वन पॉइंट वन वोल्ट भी आलवेज़ में मिलेगा ओके तो इससे कन्वर्ट करवा रहे हैं वन पॉइंट वन वोल्ट वी एस में सेम है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आई सी और इस आई सी की पिनों में काफ़ी फ़र्क है यहाँ पर तकरीबन तो फोर्टीन पिने मैं देख सकता हूँ यहाँ पर नाइन पिने हैं और ये शायद ना हो मदर बोर्ड में एट पिनें होंगी और यहाँ पे फोर्टीन पिनें है तो मतलब ये दो ड्यूल आई सी है इसके अंदर दो सर्किट काम कर रहे हैं फाइव वोल्ट का और थ्री वोल्ट का जबकि ये सिंगल है की पिनें भी काम है लेकिन काम सारा सेम ही है तो मैं आपको भी बता देता हूँ ये इसका टॉपिक है सर्किट का यहाँ पे इसका ये काम है V ने ये वोल्टेज है और फाइव वोल्ट शायद इसे इन ऑलवेज वो यहाँ पे मिले हुए हैं तो अभी ये वन पॉइंट वन वोल्ट ऑलवेज जो है वो किसी भी एक आईसी से जनरेट करवाया गया है जो कि यहाँ पे इस आईसी सी को ऐसे इनपुट में दिया गया पिन नंबर वन एंड टू को और पिन नंबर जो थ्री है इसकी इनेबल की ऑन किया फाइव वोल्ट हमारे आई के लिए ऑपरेटिंग के लिए स्पोर्टिंग वोल्टेज हैं जैसा कि मैंने आपको थ्री वोल्ट और फाइव वोल्ट स्पेशली चार्जिंग आई में समझाया था ये फाइव वोल्ट वही वो काम करेंगे जो तो चार्जिंग आई में मैंने आपको बताया था कि इंटरनली सर्किट को ऑपरेट करवाने के लिए तो ये जी से पिन नंबर जो है वो कनेक्टेड है सीटी सी टी पिन है ये जी और आई की इंटरनली कम्युनिकेशन के लिए दरमियान में एक कैपेसिटी लगा दिया गया है बूस्ट करने के लिए भी हो सकती है किसी भी चीज़ को आ, और यहाँ पर वी आउट पिन नंबर सेवन और एट वी आउट वन एंड वी आउट टू जो है इसकी फाइनल आउटपुट की पिन है और यहाँ पे एक जंपर पैड दिया गया है और यहाँ पे वी में वोल्टेज कन्वर्ट करवाया गया है ये मतलब जो इसकी पिन नंबर थ्री है सी जैसे ये इनबल की पिन मिलेगी ये यह यहाँ पे वोल्टेज जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे ये कब मिलेगी जब हम लैपटॉप के मदरबोर्ड का जो पावर बटन है वो प्रेस कर लेंगे अभी हम आते हैं क्यू थर्टीन की तरफ ये कैसे काम करेगा देखिए ये उसकी नस्बत आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ये तो सिंपली इस तरह से है जो पहले ये जानते हैं उन्हें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा लेकिन अगर आप न्यू लर्निंग है तो आपको ये आसान लगेगा यार यहाँ पे फाइव वोल्ट हैं थ्री वोल्ट है उसे ऐसी कन्वर्ट करवा रहा है वाटा जो भी लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको सर्किट को समझना पड़ेगा देखिए यहाँ पर जो प्लस वन वोल्ट है उसे कन्वर्ट करवाया गया है रन वोल्टेज में वन प्लस वन वोल्टेज को रन में कन्वर्ट करवाया गया कन्वर्ट करवाने के लिए इस मोसफिट का इस्तेमाल किया गया है जिसका पार्ट नंबर है जिसका जो लोकेशन नंबर है क्यू थर्टीन है और इसका जो पार्ट नंबर है ए जीरो फोर थ्री फाइव फोर इन अगर हम इस मॉसफिट को देखें इसका जो लास्ट डिजिट है वो है हमारा जो है ना वो आ, इवन है मतलब दो पे तकसीम हो जाता है तो इसका मतलब है ये जो मोसफिट है ये एन चैनल है और एन चैनल मोसफिट तभी इन वोल्टेज को यहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा अगर इसकी जो गेट की पावर सप्लाई है वो पॉजिटिव होगी मतलब यहाँ पे एन चैनल को हमेशा पॉजिटिव सप्लाई चाहिए होती है और पी चैनल को हमेशा नेगेटिव सप्लाई चाहिए होती है ऑपरेट होने के लिए सिंपली क्या होगा कि हम यहाँ से बैक ट्रैक करेंगे अगर हमें यह जानना है कि मोसफिट कैसे काम करेगा तो हमें यहाँ पे बैक ट्रैक करने करेंगे एक बात तो कंफर्म है कि जी मॉसफिट को ऑपरेट होना चाहिए मोसफिट ऑपरेट होगा तभी ये यह वोल्टेज यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो इसे बैक ट्रैक करने के लिए यहाँ पर हमें कितनी चाहिए पॉजिटिव पाव, पावर सप्लाई चाहिए पॉजिटिव पावर जब सप्लाई चाहिए गेट पर तो पॉजिटिव सप्लाई कौन सी है वो है फाइव वोल्ट वी एस ये वही फाइव वोल्ट वी एस हैं मैं आपको बता दूं जो कि हम ये देखें ये वही वो फाइव वोल्ट कहाँ गए ये वाले हैं जो कि आफ्टर पावर बटन प्रेसिंग यहाँ से ये आईसी जो है वो आउटपुट में निकाल रहा है ये वही वी एस यहाँ पर हमें मिलेंगे तो ये इतना ठीक रहेगा तो ये वोल्टेज जो है वो यहाँ से इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हुए यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे और इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हुए यहाँ पे इस गेट को हिट करेंगे वोल्ट तो ये वोल्टेज जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे लेकिन सवाल ये है कि ये हिट कर पाएंगे मतलब यहाँ पे पीछे भी कोई सर्किट है तो अगर तो ये मोस्फिट हमारा एक्टिव हो जाता है तो ये वोल्टेज यहाँ से नीचे शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ से नीचे शिफ्ट हो जाएंगे और ये जो हिस्सा है हमारा जीएनडी से कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये मोसफिट एक्टिव होगा तो ये जो ग्राउंड है जो ऊपर की तरफ आ जाएगी और ये जो ग्राउंड है यहाँ पे भी जीरो वोल्टेज हो जाएंगे और यहाँ पे भी इस डिस्टेंस तक ज़ीरो और यही ज़ीरो वोल्टेज यहाँ पर क्रॉस होकर यहाँ पर इस गेट को हिट करेंगे तो ये गेट हमारा जो मोसफिट है वो ऑफ हो जाएगा तो अभी क्या करना है हमें इस मोसफिट को ऑफ रखना है अगर ये ऑफ रहेगा तभी ये जो हम वोल्टेज यहाँ पे इस तरफ ट्रांसफ़र हो पाएंगे तो आप ये देखेंगे जो जे फैट है ये वाला ये एन चैनल है तो इसे भी ऑपरेट होने के लिए कौन सी सप्लाई चाहिए पॉजिटिव सप्लाई चाहिए अब पॉजिटिव सप्लाई कहाँ से आएगी ये फाइव वोल्ट ऑलवेज जो कि हमने उस आईसी के इनपुट में देखे थे ये वोल्टेज यहाँ पे इस जगह पर आएंगे इसको हिट कर देंगे अब सवाल यह है कि अगर ये वोल्टेज यहाँ पे आ जाएंगे तो ये मोस्ट उप, जेफेट ऑपरेट हो जाएगा यहाँ से ग्राउंड ऊपर शिफ्ट हो जाएगी और ये सारा सर्किट जी एन से कनेक्ट हो जाएगा यहाँ तक जो है ना वो ग्राउंड आ जाएगी हंड्रेड के का रेजिस्टेंस प्रोटेक्ट करेगा 5 वोल्ट वीएस को एज ए प्रोटेक्शन का काम करेगा तो अभी क्या है कि ये जो 5 वोल्ट हैं ये हमें नहीं मिलने चाहिए इस जगह पे इनको ड्रॉप करना है तो इनको ड्रॉप करने के लिए क्या किया गया यहाँ पे सस पी हैश ठीक है उस सिगनल का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे थ्री वोल्टेज आएंगे पॉजिटिव ये आपको पता है कि जे फट है ये एन चैनल है तो एन चैनल को पॉजिटिव सप्लाई चाहिए होती है जैसे ये उसको हिट करेंगे तो यहाँ से नीचे से जी जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे जैसे ये शिफ्ट होगी तो यहाँ पे जो है वो वोल्टेज जीरो हो जाएंगे और ये जो रेजिस्टेंस है ये फाइव वोल्ट आलवेज के लिए प्रोटेक्शन का, का काम करेगा तो ये जी एन डी यहाँ पर आ जाएगी तो अगर यहाँ पे ये भी क्योंकि एन चैनल इफेक्ट है तो यहाँ पे अगर इसके गेट पे जी एन डी आ जाती है तो ये ऑपरेट करना बंद कर देगा तो क्या होगा कि जैसे ये ऑपरेट करना बंद हो जाएगा तो यहाँ पे जो वोल्टेज हैं वो सीधे इस तरफ और यहाँ पे इस गेट को हिट करेंगे हिट करने से ये जो वोल्टेज हैं यहाँ से इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और इनका नाम जो है वो भी चेंज हो जाएगा रन वोल्टेज जो है वो बन जाएंगे तो ये सिंपली काम था इनका इस सर्किट का Q13 थर्टीन के काम करने का ये किस तरह से काम करेगा आई होप कि आपको समझ आ गई हो गई अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद गाइड कर दूँगा अगर इसमें कुछ कमी या गलती नोट की हो तो आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा असल हाफिज़